वहाँ से फिर यहाँ घटना के बाद भी घटना के बाद आया नहीं, फोटो बनाता ही नहीं होता। जैसे 2014 के बाद वो आया ही नहीं, उन्हीं के पास गोबर सानी पानी जो भी है वो अपना करवाते रहे कराते हैं। मंद इस समय कहाँ है, कोई उतना मंद नहीं है महाराज, अपना जानने के लिए कोई मंद नहीं होता है, मंद कर दिया जाता है। आपको भी 10 लोग मिलकर होपलेस कर दें, डरवा दें, धमका दें, तो आप भी मंद बुद्धि को हो जाएंगे। इसमें नहीं पता है कहाँ भाई सर, जो अपने घर रखा है वही बता सकता है वो कहाँ है। उस साले को तो खोजा ही जा रहा है, कैसे पता चले जब वही रखा है तो। हाँ जी, वो साला सही होता तो क्यों ये बातें हुई होती है। अपनी जमीन तो जमीन भी दिया, धन भी दिया, धर्म भी दिया, अब उसी का पंडित होकर के ब्राह्मण होकर के यादव के यहाँ गोबर सानी पानी कर रहा है, इतना बड़ा नालायक कौन हो सकता है। तो अब ठीक होता तो क्यों ऐसी बातें होती है, उसको तो किडनैप कर लिया है लोग। सारे मामले न्यायालय में चल रहे हैं, सबको पता है, लेकिन आज तक उसका कोई वारा न्यारा नहीं हुआ कि जमीन बेचने वाला कहाँ है। जमीन बेचने वाले के लिए भी कहा गया कि भाई वो नीचे वहाँ घर रह रहा है, उसको उसको कम से कम उसको वापस तो दे दिया। अब तो जो कर दिया कम से कम उसका गोबर सानी पानी तो नहीं करे। जमीन बेचे उनसे आपसे कब मुलाकात हुई थी? हमारी मुलाकात सर नहीं हुई, कैसे मुलाकात करे, किस मुंह से लेकर मुलाकात करे, पहले हुई थी कितने दिन? क्या उनसे मुलाकात की? रजिस्ट्री 2014 के बाद, रजिस्ट्री करने के बाद कोई मुलाकात नहीं है। जमीन भी बेचे तो हम नहीं थे उसके गवाह हमारे उसका लिखित गवाह हमारे पास। हम अपने माता जी को लेकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करा रहे थे। उस समय वो अपनी जमीन बेचे, वो जमीन बेचते समय भी हम नहीं मौजूद, हम मतलब यहाँ थे देवरिया जिले में, हम लखनऊ हॉस्पिटल में थे। आपका घर कहाँ है? समुदाय है सर, समुदाय पास में, हाँ रुद्रपुर थाना में, तहसील रुद्रपुर ही है। पुलिस व्यवस्था में वो अपने सिस्टर के वहाँ है, दाह संस्कार करा करके पुलिस अपने कस्टडी में, उनके वहाँ अपनी सुरक्षा लगा करके, मतलब इस समय जो चल रहा है प्रशासन का रवैया वो अच्छा चल रहा है। इसके पहले जो था हत्या होने के पहले वो रवैया ठीक नहीं रहा, हत्या होने के बाद रवैया ठीक है कि सुरक्षा कम से कम मिली है।